आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक ऐसे मूवमेंट की जिसने पूरी तरह से रिवोल्यूशनराइज कर दिया था सोसाइटी को। हिंदू मुस्लिम सिख और जितने भी लोग थे सबको एक सिरे से बांध दिया था। ये उन लोगों की आवाज थी जिनकी कोई आवाज ही नहीं थी उस समय। जी हाँ, इसमें लो कास्ट जितने भी इलिटरेट थे वो सब आए और सबने अपनी आवाज उठाई और एक तरह से आइडियाज फिलोसफीज ने पूरी तरह से सोसाइटी को बदल के रख दिया। जी हाँ, 800 साल तक ये जो पूरा मूवमेंट चला है और इस तरह से आइडियाज का जो एक्सपेंशन हुआ है ना, कमाल कर दिया। हिंदू मुस्लिम दोनों का इसमें बहुत ज्यादा काम था। दोनों आपस में प्रेम से रहते थे और समझ गए थे कि अगर इंसानियत ह्यूमैनिटी को सस्टेन करना है तो हम दोनों को साथ में रहना होगा और उस परम पितामह परमेश्वर की पूजा करनी होगी, उसको समझना होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों 8th सेंचुरी से लेकर 16th या 17th सेंचुरी से चलने वाले भक्ति मूवमेंट की। जी हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने पिछली बार संत कबीर की बायोग्राफी को रिव्यू किया था, कबीरदास जी के दोहे मैंने आपको बताए थे और बताया था उनकी लाइफ कैसी थी, तो मैंने सोचा कि ये पूरा भक्ति मूवमेंट ही कवर कर देता हूं और उसके बाद सेपरेट बायोग्राफीज में लेके आऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। sid_econnect मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आपको लेक्चर की PDF, साथ ही साथ आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। 60% भैया हम ऑफर लेके आए हैं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दिवाली आ गई है, कुछ ही दिन बचे हैं। नंबर्स पे कॉल कीजिए, वेबसाइट विजिट करिए और अपनी ड्रीम जॉब निकालिए पेनड्राइव कोर्सेस को अवेल करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th टू 16th सेंचुरी बेसिकली ये चला था, ठीक है, भक्ति मूवमेंट। एक हम पहले जिस्ट ले लेते हैं कि ये था क्या। दोस्तों इसमें डिफरेंट संत आए थे, ठीक है, उन्होंने अपने टीचिंग्स को स्प्रेड किया था। सबसे पहले ये साउथ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, साउथ से फिर ये नॉर्थ तक गया और जब तक ये नॉर्थ पहुंचा तब तक आपको पता ही है मुस्लिम का इन्वेजन हो गया था ऑलरेडी। बैटल ऑफ तराइन जो है, दो बैटल ऑफ तराइन जो है वो लड़ी जा चुकी थी और उसके बाद फिर पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गोरी जीत गया था। तो जब मुस्लिमों का इन्वेजन हुआ वहां पे फिर भक्ति मूवमेंट ने एक ऐसा टर्न लिया कि वो अजीबोगरीब तरह से हर जगह स्प्रेड हो गया। जी हाँ, एक्सपेंशन हो गया उसका। नॉर्थ में पूरा एक्सपेंशन हुआ, फिर एशिया तक में वो चला गया। जी हाँ, ऐसा था। इनकी ट्रेडिशन क्या, भक्ति मतलब क्या होता है बेसिकली? भक्ति मतलब होता है कि आपको पूरी तरह से डिवोट हो जाना है, आपको भगवान को समझना। अब ये भगवान कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अगर आप किसी फॉर्म को मानते हैं, अगर आप किसी मूर्ति को मानते हैं तो आप उससे प्रेम करिए, उसमें मगन हो जाइए। अगर आप नहीं मानते हैं तो ज्ञान अटेन करिए। तो ये बेसिकली भक्ति मूवमेंट की कोर फिलॉसफी थी, लेकिन इसके इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त हुए। सोशल इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, सबसे बड़े इसके सोशल इम्पैक्ट थे, क्योंकि इसमें उन लोगों ने साफ साफ आवाज उठाई और उन लोगों को एक रास्ता मिल गया जिनकी उस समय कोई आवाज नहीं थी। आपको पता ही है दोस्तों कि वर्ल्ड सिस्टम था उस समय, कास्टिज्म था, काफी बुरी तरह से था और काफी लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया था, स्पेशली जो लो कास्ट के लोग होते थे, तो उनको एक तरह से आवाज मिल गई थी। हालांकि काफी संत जैसे मीराबाई और चैतन्य, ये सब हाई कास्ट के थे, ठीक है, और इन्होंने भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, ठीक है। हम सब सारे संतों की हम बात करेंगे और देखेंगे। एक ही चीज रहती थी, एक ही इनके पास हथियार रहता था, भजन करो, पूजा करो, सबसे प्रेम से मिलो और हर जगह बस खुशियां बांटो और लोगों को बताओ कि असली में पूजा क्या है। अब डिफरेंट डिफरेंट संतों ने डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस किए, वो क्या अप्रोचेस थे हम देखेंगे, ठीक है। अगर मुस्लिम है तो कवाली, दरगाह में कवाली हो रही है, अगर हिंदू है तो कीर्तन हो रही है, लेकिन सिख है तो गुरबानी। लेकिन कुल मिला के बात यह थी कि आपको कनेक्शन करना है दोस्तों। यहां पे क्या है कि हमको जो इंसान है ये पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है, एक ब्रह्म है, ब्रह्मा मतलब ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स जो एक तरह से भगवान है, हम उसकी एनर्जीज है, हमको उस ब्राह्मण को समझना है। तीन तरह के उपाय होते हैं। पहला सत, चित, आनंद, मतलब सत पहला, चित दूसरा और आनंद तीसरा। सत मतलब पहले आप उस ब्राह्मण को ही समझ जाओ, उस पूरे यूनिवर्स को समझ जाओ। चित मतलब इंट्रोस्पेक्शन करो, मेडिटेशन करो। आनंद मतलब आप मूर्ति सामने लगा लो और उसकी पूजा करो, आप उसके थ्रू भी आप एनलाइटनमेंट या जिसको मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं आप अटेन कर सकते हैं, क्योंकि हम बार बार इसी चक्कर में फंसे रहते हैं, इन्हीं साइकिल में फंसे रहते हैं, ठीक है। तो ये एक मार्ग था कि किस तरह से उस ब्राह्मण तक पहुंचा जाए, उस भगवान को माना जाए, समझा जाए,
ठीक है, तो ये चीज है। और उसके बाद में ये बेसिकली 8th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ। कौन थे? शंकराचार्य, जिन्होंने पूरी तरह से रेवोल्यूशनराइज कर दिया। साउथ से स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। शंकराचार्य की बायोग्राफी को मैंने रिव्यू किया हुआ है। ये बेसिकली अद्वैत वेदांत को मानते थे। अद्वैत मतलब वन गॉड वन एनर्जी, हर किसी में एक ही एनर्जी है और भगवान जो है एक है। ये डुअलिज्म को नकारते थे, जो कि द्वैत वेदांत की प्रिंसिपल फिलोसफी। और उसके बाद फिर इसको आगे एक्सपैंड किया गया। चैतन्य आए, तुलसीदास आए, रामानंद बहुत बड़े, जिनको सबसे बड़ा एक तरह से जनक माना जाता है इस भक्ति मूवमेंट का। उसके बाद कबीर दास आए, फिर गुरु नानक आए, तो काफी लोगों ने इनको इस चीज को एक्सपैंड किया। मीराबाई आई, एक एक करके अभी हम संतों को देखेंगे कौन कौन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए। तो अब हम देखते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। देखिए दोस्तों, ये साउथ से ओरिजिनेट हुआ था। अगर पूरी तरह से देखिए, इसको कंपाइल करें तो चार पंथ होते हैं हिंदुइज्म में, ठीक है। मैंने पिछली बार भी बात की थी जब संत कबीर की बायोग्राफी का रिव्यू किया था। सबसे पहला पंथ क्या होता है? वैष्णविज्म, ठीक है। दूसरा शैविज्म, तीसरा शक्तिज्म और चौथा समर्थिज्म, ठीक है। वैष्णविज्म में हम क्या करते हैं? भगवान विष्णु को मानते हैं, उनकी टीचिंग्स को मानते हैं। ये तीन त्रिशूल दोस्तों, सत चित आनंद, जब मिलते हैं तो एक यूनिवर्स का क्रिएशन होता है और ये त्रिशूल होता है। तो आपने देखा होगा इस तरह से त्रिशूल और इस तरह से त्रिशूल, ये बेसिकली वैष्णविज्म और शैविज्म को डिनोट करता है, ठीक है। लेकिन बात वही है, हमको समझना उस भगवान को ही है, ठीक है। दूसरा होता है शैविज्म, भगवान शिव को मानने वाले। तीसरा शक्ति, दुर्गा या जितनी भी हमारी देवियां हैं उनको मानने वाले, क्योंकि ये जो जनक है ऐसा माना जाता है इसमें, ये देवी है। और आखिरी समर्थिज्म, वेदों की शक्ति, ठीक है। तो अब अगर हम साउथ की बात करें तो वहां पे दो सेक्ट्स थे, दो में डिवाइडेड थे। एक थे न्यायनस और दूसरे थे अलवर्स। अलवर्स जो थे वो भगवान विष्णु को मानते थे, ठीक है। भगवान विष्णु को मानते थे, उनकी पूजा में विलीन रहते थे, उनकी टीचिंग्स को आगे बढ़ाते थे। कि बात वही है, ठीक है, बस मानने का तरीका अलग अलग है। दूसरे थे नैनस, ये कौन थे? ये भगवान शिव को मानते थे। जी हाँ, ये भगवान शिव को मानते थे। वैसे दोस्तों, जिंदगी जीने के दो ही रास्ते होते हैं, एक भगवान कृष्ण और एक भगवान राम। भगवान कृष्ण को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। अभी हम उनकी आगे बात करेंगे कि सगुण और निर्गुण में क्या फर्क है, तब हम भगवान कृष्ण की बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो भगवान कृष्ण, क्योंकि वो एक आम इंसान का जीवन है, ठीक है, घर घर में उनको पसंद किया जाता है। भगवान राम का जीवन थोड़ा टफ होता है, उनका सीधा रास्ता है, इतना आसान नहीं होता है, वो भी देखेंगे। तो ये दो सेक्ट्स थे सबसे पहले। अब आगे कहानी बढ़ती है, उसके बाद जो लोग और लोग जुड़ते जाते हैं। अब एक और चीज है इसमें, ये जो टीचिंग्स हैं इसको बाद में और ज्यादा एक्सपैंड किया गया, भागवत गीता के थ्रू, रामायण के थ्रू, हर चीज के थ्रू इसको एक्सपैंड किया गया। और फिर एक तरह से इसने कैटलिस्ट का काम किया। अच्छा, एक और चीज ने कैटलिस्ट का काम किया। साउथ में तो ये पूरा प्रॉपरली डेवलप हो गया था। शंकराचार्य भैया वहीं से तो आए थे, ठीक है, साउथ से ही आए थे, तो साउथ से तो पूरी तरह से वो डेवलप हो गया था। लेकिन नॉर्थ में अभी भी इसको 600 साल लगेंगे आने में। जी हाँ, और कैटलिस्ट नॉर्थ में क्या काम था? मुस्लिम। जी हाँ, आपको जान के हैरानी होगी कि मुस्लिमों की, जब देखिए, जब मुस्लिमों का इन्वेजन हुआ तो मुस्लिम जब आए तो यहां पे हिंदू डोमिनेंट थी, मतलब मेजोरिटी में हिंदू थी, बहुत ज्यादा नफरत थी, बहुत ज्यादा डिवीजन था। लेकिन जब हिंदुओं ने यह देखा, काफी लोगों ने यह देखा कि यहां तो वन गॉड है, ठीक है, सब लोग साथ में खाना खाते हैं, तो उनका एक तरह से माइंड जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ। ये आप कह सकते हैं कि मुस्लिम वॉज डेफिनेटली, मतलब जो उनकी वर्शिप है वो एक कैटलिस्ट थी इस मूवमेंट के लिए, वो भी अभी हम आगे देखेंगे। अब अगर भक्ति मूवमेंट की बात करें, भक्ति की बात करें, तो दोस्तों निर्गुण और सगुण में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है, पूरा सब कुछ इसी में ही आ जाता है। निर्गुण मतलब क्या होता है? निर्गुण मतलब होता है वो जो है ही नहीं, फॉर्मलेस गॉड। जी हां, फॉर्मलेस गॉड। आप भगवान का कोई रूप नहीं है, आप उस ब्राह्मण को समझो, आप इंट्रोस्पेक्शन करो, आप मेडिटेट करो, आप ध्यान लगाओ, आप सारी चीजें करो। दूसरा होता है सगुण। सगुण क्या करता है? फॉर्म, एक कोई मूर्ति बना लो, एक कुछ भी बना लो, मंदिर बना लो, मस्जिद बना लो, चर्च बना लो, उसमें जाओ, उसको, उस जो मूर्ति है उसको देख के ध्यान लगाओ। जैसा कि मैंने कहा, एम एक ही है, हमको उस परम पितामह को समझना है। अब वो कैसे समझेंगे? हमको अपनी कॉस्मिक एनर्जी अलाइन करनी है, पहले खुद को समझना पड़ता है। अब दोस्तों यहां पे क्या होता है कि निर्गुण जो फॉर्म होता है काफी टफ होता है। निर्गुण वैसे इसका दूसरा नाम है, आप ज्ञान की प्राप्ति करो। ये बेसिकली पूरा नॉलेज फोकस है। भगवान कृष्ण ने जो गीता ज्ञान दिया था ना,
पूरा वही, ये नॉलेज बेस्ड है, ठीक है, नॉलेज फोकस है। वहीं अगर सगुण की बात करें तो वो प्रेम से डील करता है कि आप भक्ति में डूब जाओ। एक भगवान की मूर्ति है, जैसे मीरा डूब गई थी, मीरा भगवान कृष्ण की भक्ति में इस तरह डूब गई थी, बहुत उन्होंने प्रीच किया, उन्होंने लोगों को बताया, इस तरह डूब गई थी कि उनको वाकई में भगवान के दर्शन हो गए। तो अगर कोई इंसान खुशकिस्मत रहता है और उस लेवल तक उसका एनलाइटनमेंट या उसका आईक्यू लेवल पहुंच जाता है और अगर वो ब्राह्मण को समझ लेता है तो भगवान भैया खुद ही दर्शन दे देते हैं। तो ये दो वेज होते हैं भक्ति के, या तो आप निर्गुण फॉर्मलेस या फिर आप सगुण। तो ये चीज है। अब यहां पे भगवान कृष्ण और भगवान राम की बात कर लेते हैं। पिछली बार मैंने थोड़ा सा अधूरा छोड़ दिया था। भगवान कृष्ण, जैसा कि मैंने कहा है कि जिंदगी जीने के दो रास्ते होते हैं। भगवान कृष्ण घर घर में पसंद किए जाते हैं क्योंकि वो एक आम इंसान का नेचर होता है, उन्होंने हर चीज की जो एक आम इंसान करता है। लेकिन भगवान राम का जो रास्ता होता है वो इतना आसान नहीं होता है, वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है कि आपको सही डिसीजन लेने हैं एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, हर चीज आपको ताक पे रखनी है, लेकिन डिसीजंस से आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब इसमें मैं इतना डीप नहीं जाऊंगा फिलहाल, हिंदुइज्म लेक्चर जब लेके आऊंगा तब थोड़ा सा डीप में मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। तो ये चीज है। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं, इसके फीचर्स क्या थे भक्ति मूवमेंट के। सबसे पहले यूनिटी ऑफ गॉड या फिर वन गॉड। दोस्तों यहां पर बहुत लोगों को आवाज मिल गई थी जिनकी कोई आवाज नहीं थी। इसका कहने का आशय क्या थे, जो छोटे कास्ट के थे, जो लो कास्ट के थे, आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड बट ये लिखा है और ऐसा बोला जाता है इसलिए मैं बोल रहा हूं, समझाने के लिए बोलना जरूरी है, ठीक है। वैसे तो हर एक इंसान सब बराबर है। शंकराचार्य के सामने जब एक मल्ला आया था, उन्होंने शंकराचार्य से ये क्वेश्चन किया था कि आप बोलते हैं एक भगवान, सब में एक एनर्जी है, लेकिन यहां मैं देख रहा हूं इतना कास्ट में डिवाइडेड है, सब कुछ हो रहा है, क्यों आप कुछ नहीं बोलते। शंकराचार्य ने हाथ जोड़े और बोले मैं तुम्हारा दास हूं। तो यूनिटी ऑफ गॉड और वन गॉड। तो लो कास्ट के जो लोग थे उनकी कोई भी आवाज नहीं थी, ठीक है, उनको दबाया जाता था। जब ये भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उनको आवाज मिली, ठीक है। ये भक्ति मूवमेंट बेसिकली क्या कहता था कि आपको किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, किसी मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, बहुत दूर दूर जाने की जरूरत नहीं है। उस समय क्या होता था कि ये पूजा जो होती थी काफी एक्सपेंसिव होते थे और इसमें जो प्रीस्ट होते थे या जो मुल्ला भी होते थे वो काफी अच्छा खासा इससे पैसा बनाते थे। मतलब इसमें एक तरह से क्या कहते हैं कि गाइड नहीं किया था, मतलब लोग इसका फायदा उठा रहे थे, जैसे आजकल पॉलिटिकल पार्टीज इसका फायदा उठाती है ना, रिलीजियस और जितने भी ये सारे मुद्दे हैं रिलीजन के, इनको पूरी तरह से मैनिपुलेट कर दे। वैसे उस समय भी हो रहा था, लोगों को समझ नहीं आ रहा था। तो इस मूवमेंट ने एक लोगों को दिशा दी कि हम घर बैठ के ही भगवान या अल्लाह उनको उन तक पहुंच सकते हैं, उनका जाप करके कोई दिक्कत नहीं है। हमको जरूरी नहीं है, आप देखते हैं ना कि जाप करते रहते हैं, हम घर पे ही उनका जाप कर सकते हैं, कहीं पे भी हो के उनका जाप कर सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस हमको दिखाना क्या है, इंटेंस लव और डिवोशन, यही है, इसी से ही हमको मोक्ष प्राप्ति मिलेगी। 84 लाख योनियों में भटकने की कोई जरूरत नहीं, एक दिन हमको मोक्ष मिलेगा। उसके बाद भगवान का नाम लगातार जपो, ठीक है, लगातार जपते रहो, पूरी तरह से सरेंडर कर दो। दोस्तों निर्गुण और सगुण की अभी मैंने बात की थी, निर्गुण काफी टफ होता है, ठीक है, आपको सेल्फ सरेंडर करना पड़ता है। निर्गुण अगर देखें तो आपको ज्ञान चाहिए और आपको एक तरह से फॉर्मलेस है वो। यहां पे क्या होता है कि सगुण आप देखेंगे वो ज्यादा प्रेवलेंट है, क्यों, क्योंकि लोगों के पास आजकल टाइम नहीं है, लोग काफी बिजी हो गए हैं और काम भी करते हैं, फैमिली भी मैनेज करनी होती है, पैसा भी कमाते हैं। तो बेसिकली एक मूर्ति सबने बनाई है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो चर्च हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि उन्होंने एक मूर्ति बनाई है हर किसी ने और वो उन्हीं को देख के ध्यान लगाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको सरेंडर करना है पूरी तरह। लेकिन आज वो मोटिव पूरा नहीं हो पा रहा है सेल्फ सरेंडर का, उससे उसके अलग कारण है, ठीक है। उसके बाद जो रिचुअल सेरेमनीज होती थी बड़ी महंगी महंगी, जो इसमें जो छोटे तबके के लोग होते थे वो उसमें भाग नहीं ले पाते थे, भैया मंदिरों में तो एंट्री ही बैन थी उनकी, ठीक है, इन सबको एक वे मिला, पाथ मिला कि चलो कोई बात नहीं, हमको मंदिर जाना ही नहीं, हम घर से ही कर लेंगे सारी चीजें, हमको मस्जिद जाना ही नहीं, हम घर से ही कर लेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें काफी संतों ने आइडल वर्शिप की, बिल्कुल भत्सना की। अब इसमें दोनों आते हैं दोस्तों, मुस्लिम और हिंदू दोनों को ही, भैया कबीरदास ने तो सबको लपेटा, ठीक है, बहुत जबरदस्त उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, अब उनका भी वो भी अपनी जगह पे सही थे, ठीक है, कि कोई जरूरत नहीं मस्जिद जाने की, यार इतना बड़ा मस्जिद खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं, मंदिर बनवाने की या मूर्तियां बनवाने की, आराम से घर में बैठ के बस भक्ति में मगन हो जाओ, ठीक है। और उसके बाद एक सोच का जो रेवोल्यूशन आया,
और फिर हर किसी को इक्वल ट्रीट करना, कोई हाई नहीं कोई लो नहीं, हर किसी में वही एनर्जी है जो सब में है। ये बेसिकली मेन फीचर्स थे भक्ति मूवमेंट के। अब यहां पे अगर हम एक्सपेंशन देखें तो इसकी मैंने पहले भी बात की थी, आपको बताना चाहता हूं कि ये सूफी सेंट्स सबसे पहले आए थे। नॉर्थ की बात कर रहा हूं, साउथ में तो ऑलरेडी आ चुका था, नॉर्थ में इसको फैलने में काफी टाइम लग गया क्योंकि उस समय कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई न्यूज चैनल्स नहीं थे, कोई माध्यम नहीं था। तो सूफी सेंट्स आए, सूफी सेंट्स बिल्कुल वही जो बिल्कुल एक तरह से गॉड से कनेक्ट करते हैं कवालिया गा के और नाच के, और एक तरह से ब्रदरहुड मोरालिटी ह्यूमैनिटी इन सब का लेसन जो देते हैं, ठीक है। अब सूफी बिल्कुल अलग है ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम से, उसको अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो जब हिंदुओं ने, अब यहां पे इन्होंने एक कैटलिस्ट का काम किया, जब इन्होंने हिंदुओं ने देखा तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तो ठीक है, वन गॉड और फिर हर कोई मिलकर खाना खा रहा है, हर कोई प्रेयर कर रहा है, तो ये ठीक है, इसको ये मार्ग मतलब हम अख्तियार कर सकते हैं। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी दोस्तों, कि जब मुस्लिमों का इन्वेजन हुआ तो यहां पे कोई यूनिटी नहीं थी, मतलब हिंदुओं को डर था कि अब तो हम गए काम से क्योंकि यहां पे इन्वेडर्स आ गए, और मुस्लिमों को भी ये बात पता थी, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, हिंदू मेजोरिटी में है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं बात पता थी, उनको ये पता था कि हर किसी को तो हम कन्वर्ट कर नहीं सकते मुस्लिम में इस्लाम में हर किसी को, तो क्योंकि इतने सारे हिंदू हैं इम्पॉसिबल है ये। दूसरी बात, मुस्लिमों को भी ये, हिंदुओं को भी ये पता था कि अब मुस्लिम आ गए हैं, इनको खदेड़ना इतना आसान नहीं होगा, तो कोई ना कोई एक मिडिल पाथ निकालना पड़ेगा ताकि हम एक तरह से अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, और यही कम्युनिकेशन का मार्ग बना भक्ति मूवमेंट। वो सूफी मुस्लिम्स जो यहां के संत होते थे उनकी टीचिंग्स को लेते थे और यहां के संत उनकी टीचिंग्स को लेते थे, बिल्कुल एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से काम करते थे, हर कोई खुश था, बहुत भाईचारे से रहते थे। वुड यू बिलीव इट, मतलब कितना जबरदस्त चीज है, आज इतना ज्यादा डिविजन्स हो गया है, एकदम कचरा भर के रख दिया है सबने, लेकिन उस समय ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब जाहिर सी बात है था, लेकिन इस मूवमेंट के दौरान ये काफी अच्छे से जो मैसेजेस और नॉलेज थी वो प्रोपगेट की गई। एक और बहुत अच्छी बात इसमें ये थी दोस्तों कि इसमें कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं थी, हर कोई जो भी इंसान संत बन रहा था, जो भी इंसान को नॉलेज हो रही थी, उस ब्रह्मा को समझ रहा था, वो अपनी लैंग्वेज में लोकल लैंग्वेज में सबको पढ़ा रहा था। ये बहुत बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त और रेवोल्यूशनराइज करने वाली बात थी, क्योंकि अक्सर क्या होता है कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आती है। अब कोई अगर मलयाली जानता है तो आप उसको हिंदी, मान लीजिए हिंदी नहीं आती तो आप हिंदी में नहीं बताएंगे, कोई इंग्लिश नहीं जानता है तो आप उसको किस में बताएंगे, जिस भाषा में वो जानता है, तो ये लैंग्वेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। इंपैक्ट, सोशल इंपैक्ट इसके सबसे ज्यादा रहे, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया इसमें जो लोअर कास्ट है वो ऊपर आए। रिलीजियस इंपैक्ट ये हुआ कि एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन सा बन गया हिंदुओं और मुस्लिमों में, हिंदुओं ने मुस्लिम के रिचुअल्स को रिस्पेक्ट दिया और मुस्लिमों ने हिंदुओं के रिचुअल्स को रिस्पेक्ट दिया। इसमें दोस्तों एक चीज और बताना चाहता हूं, आप इसको गलत मत समझिएगा, मतलब इस मूवमेंट को, इसमें जो कास्ट सिस्टम की, कास्टिज्म कोई बुरी चीज नहीं थी उस समय, लेकिन जो इतना सुप्रीम लेवल ले लिया था उसने कि लोगों को ऑप्रेस करने लगे थे, ये बहुत गलत था। तो जितने भी रिफॉर्मर्स, ये जो भक्ति मूवमेंट के संत थे, ये एक तरह से सोशल रिफॉर्मर भी थे जैसे कबीरदास, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ये उन सारी कुकृत्यों को जो गलत काम होता था इसकी आड़ में, उसको टारगेट करते थे, ठीक है। अच्छी चीजों को, कोई भी धर्म की अच्छी चीजों को ऑलवेज दे आर एक्सेप्टेड एंड शुड बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये चीज थी, जो भी ये अंधविश्वास है, ये जो रिश्वल होते हैं, जितने भी चीजें हैं, ठीक है, उस समय जो एकदम बेबुनियाद थी उनको इन्होंने अटैक किया। तो ये भक्ति मूवमेंट है और इसने काफी लोग जुड़े, क्योंकि उस समय अमीर लोग इतने थे नहीं, लिटरेट लोग इतने थे नहीं, पढ़े लिखे लोग इतने थे नहीं, तो हर किसी ने ज्वाइन किया, भैया एक गुरु की तो जरूरत होती है ना, एक प्रॉपर डायरेक्शन मिले। अब दोस्तों हम भक्ति मूवमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट संतों को देखेंगे। रामानंद, साउथ में बता दिया मैंने, रामानंद एक बहुत इंपॉर्टेंट संत थे, लेकिन ये ब्राह्मण थे, और कबीरदास जी तो काफी चाहते थे कि इनसे दीक्षा लें और अल्टीमेटली इनसे दीक्षा ली भी, गुरु थे इनके, तो ये ब्राह्मण थे और ये बिल्कुल भी ब्राह्मणों से, मतलब ब्राह्मण से नीचे किसी से भी बात नहीं करते थे, अगर कोई आता था तो ऐसे पर्दा लगा के बात करते थे, ठीक है। और ये राम, भगवान राम को एक सुप्रीम गॉड समझते थे, ठीक है, कि भगवान राम है, हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, क्या बात है, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद फिर कबीरदास है, कबीरदास की बायोग्राफी को मैंने पूरा रिव्यू किया हुआ है, आप पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। और उसके बाद गुरु नानक बाबा जी, इन पे भी मैं बहुत जल्द लेक्चर लेके आऊंगा, एक प्रॉपर लेक्चर लेके आऊंगा, इन्होंने तो रेवोल्यूशनराइज कर दिया था
सिर्फ इंसानियत का पार्ट पढ़ाया। देखिए सिख जो होते हैं वो वॉरियर क्लास होती है, आप अगर आर्मीज में देखेंगे तो वहां पे आपको सिख बहुत मिलेंगे, वो वॉरियर, दे आर बॉर्न वॉरियर, ठीक है, वो हमेशा से ही मदरलैंड को प्रोटेक्ट करते हैं, एक जबरदस्त लोग होते हैं वो, कमाल के लोग होते हैं, ठीक है। इस वॉरियर क्लास को पूरी तरह से ह्यूमैनिटी, मोरालिटी, काइंडनेस का पार्ट पढ़ाना और उनको एक वो टीचिंग्स उसमें स्प्रेड करना, ये आसान काम नहीं था, लेकिन यही तो कमाल है गुरु नानक का, उन्होंने ये कर दिया और कमाल कर दिया। एक मध्यम वर्गीय फैमिली से थे, बिजनेस क्लास फैमिली से थे, इनकी भी बायोग्राफी हम देखेंगे। उसके बाद फिर मीराबाई आई, मीराबाई अपर कास्ट की थी याद रखिएगा, कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह डूब गई थी, वादा करता हूं एक एक का मैं बायोग्राफी लेके आऊंगा। कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह डूब गई थी, अपर कास्ट की थी, राजपूत फैमिली से की थी, शादी हो गई थी इनकी और शादी उन्होंने हस्बैंड को छोड़ दिया था और भगवान मंदिर में जाके रहने लगी थी, एक तरह से उनका आउटकास्ट ही कर दिया था सोसाइटी ने, काफी इनको गालियां पड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भगवान कृष्ण की भक्ति में ये ऐसी डूबी, सगुण याद है ना, निर्गुण और सगुण, सगुण भक्ति उन्होंने दिखाई, ऐसी डूबी कि इनको भगवान मिल गए, जी हाँ। और उसके बाद फिर ये सबको पढ़ाती गई, इनके काफी फॉलोअर। देखिए एक चीज और बताऊंगा कि आपको एक प्रॉपर ऑडियंस चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, पूजा कर रहे हैं या पाठ पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ाएंगे आप? अल्टीमेटली किसी ना कोई तो होना चाहिए ना सुनने के लिए, तभी तो एक तरह से रेवोल्यूशन, एक मूवमेंट की मूवमेंट तभी तो स्टार्ट होता है। तो बेसिकली आपको ऑडियंस चाहिए, वरना तो फिर सब बेकार है। तो इन्होंने अच्छे खासे फॉलोअर्स बनाए थे और अच्छी बात है भाई, बनाने भी चाहिए, अच्छी बात है, हमेशा स्प्रेड होनी चाहिए। और इन्होंने ये मान लिया था कि मेरी जो शादी है वो भगवान कृष्ण से हुई है, लॉर्ड कृष्णा से हुई है, ये भक्ति में डूब गई। ऐसा ही होता है जैसा कि मैंने बताया कि या तो आप निर्गुण भक्ति करिए या फिर सगुण भक्ति करिए, अभी हम सगुणी भक्ति करते हैं वैसे। उसके बाद फिर चैतन्य आए, चैतन्य ने भी टीचिंग्स को, वैष्णव थे ये, टीचिंग्स को बहुत अच्छे से स्प्रेड किया। अब सूफिज्म की बात करेंगे, वैसे सूफिज्म में बात कर ही चुका हूं, जैसा हिंदुइज्म था, जिस तरह से उस समय का लिबरल हिंदुइज्म था, एग्जैक्टली वैसे ही सूफिज्म था, एक ब्रांच थी जो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स आइडिया जो इस्लाम के थे उस समय, उनको सीधा अटैक किया और प्रेम मार्ग बताया, प्रेम से, अच्छी चीजें करने से, कर्मों से हम भगवान से सीधे कनेक्ट कर सकते हैं। काफी लोगों ने इन सेक्ट पे अटैक किया, आज भी करते हैं, जी हाँ, सूफिस्ट पे आज भी काफी अटैक्स किया जाता है कि ये बिल्कुल एक अलग ही ब्रांच है और इनको छोड़ ही दे तो ज्यादा बेटर है, लेकिन स्टिल इन्होंने इनर प्योरिटी पे काफी बल दिया। तो ये चीज थी, और जैसा कि मैंने बताया कि किस तरह से आत्मा को उस ब्रह्मांड उस परमेश्वर से मिलाया जाए, उन्होंने ये बता दिया। तो ये चीज है, ये बेसिकली एक कपड़ा पहनते थे, वूल पहनते थे, जिनको सूफ बोला जाता था, ये एक तरह का इंडिकेशन होता था, मतलब क्या कहते हैं कि डिफाइन करने का तरीका होता था, ठीक है। तो ये चीज थी। अब अगर सूफी सेंट्स की बात करें तो इसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, इन्होंने बेसिकली चिश्ती ऑर्डर को एस्टैब्लिश किया, ये एक बहुत बड़े संत आए थे 1143 में, काफी लोग इनके फॉलोअर बने, प्रेम का पाठ इन्होंने भी बनाया, फरीदुद्दीन आए, फिर ये इनके शिष्य थे, ठीक है। तो फरीदुद्दीन आए, जहां पे भी ये जाते थे काफी भीड़ लग जाती थी, और दिल्ली में सेटल्ड हुए। और उसके बाद फिर निजामुद्दीन औलिया, इनकी दरगाह भी है, ये कहां पे है चलिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। निजामुद्दीन औलिया जब आए 1235 से 1325 तक इनका रेन था, और जब ये सेटल होते हैं दिल्ली में, तो दोस्तों क्या हुआ कि ये लोग सिर्फ प्रेम का पाठ पढ़ाते थे। अब जाहिर सी बात है उसमें कट्टरता का कोई भी स्थान नहीं है, ठीक है। जब ये आए थे तो बहुत सारे सुल्तान आ गए थे, भैया स्लेव डायनेस्टी ऑलरेडी भारत में एस्टैब्लिश हो गई थी, इन्होंने किसी भी सुल्तान से मिलने से मना कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने काफी डिजायर जताई थी, काफी इच्छा जताई थी कि मैं इनसे मिलना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने बोला मुझे नहीं मिलना है। तो ये चीज थी, इन सब ने जो है प्रेम का, सौहार्द का पाठ पढ़ाया, और ये जो मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट 800-900 सालों तक प्रॉपरली चला और स्प्रेड हुआ, कमाल की चीज थी। और शायद उसके इंपैक्ट, शायद क्या, उसके इंपैक्ट हम आज भी देख रहे हैं कि भारत में कुछ भी करिए, कितना भी वेस्टर्नाइजेशन आ जाए, लेकिन फिर भी हम साथ रहते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, अब वो जैसे भी हो भगवान की पूजा करते हैं, और अपने कल्चर को अभी भी हमने बचा के रखा है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिए। क्विक रिमाइंडर, 60% ऑफ है
हमारी मतलब दिवाली सेल चल रही है, आप नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। देखिए कोई ऑफेंड मत होइएगा क्योंकि ये मेरे वर्ड्स नहीं है, सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। तो अगर कोई ऑफेंड हो रहा है तो मैं उसको उससे पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं लिखा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये सब मैंने बुक से उठाया है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।